साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, उम्मीद है एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। एक और बड़ी अपडेट इसी बीच आ रही है यूपी पुलिस एग्जाम को लेके कि अभी जो आपका एग्जाम है वो और डिले होने वाला है। पहले ये बताया जा रहा था इस एग्जाम में कि कंपनी की कोई मिलीभगत नहीं है इस एग्जाम को लीक कराने में। इस एग्जाम को लीक कराया गया है ट्रांसपोर्ट यानी यातायात के द्वारा, जिस कंपनी का ठेका था सभी सेंटरों तक ये पेपर पहुंचाना, उसी ने यातायात में ये लीक किया है, ऐसा पहले खुलासा था। लेकिन जो अब खुलासा होने जा रहा है और हो चुका है, उसमें ये बताया जा रहा है कि ट्रांसपोर्ट से पेपर की लीकेज नहीं थे। पेपर के लीक होने के जो साक्ष्य मिले हैं वो खुद जो ये कंपनी करा रही थी एग्जाम, उसी के माध्यम से पेपर के लीक होने के साक्ष्य मिले हैं। तो ऐसे में इस कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया गया है, यानी अब ये उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती का एग्जाम नहीं कराएगी। इसके साथ साथ जो भी उत्तर प्रदेश में आगामी एग्जाम होने हैं उन्हें भी ये कतई नहीं कराएगी, और उत्तर प्रदेश में हमेशा के लिए इस कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। अभी इसकी जांच जारी है, इसके जो मुख्य सरगने हैं उन्हें पकड़ा जाएगा। अब ऐसे में बड़े बड़े YouTube चैनल सभी लोग, हमने भी एक अंदाजा लगाया था कि भाई जब ट्रांसपोर्ट से लीकेज है तो कंपनी वही रहेगी, एग्जाम वही करा देगी। अब कंपनी ही इसमें सबसे ज्यादा चोर निकली, तो अब ये कंपनी कैसे इस एग्जाम को कराएगी? अब इनको शायद टेंडर की प्रक्रिया दोबारा से शुरू करनी पड़ेगी, और इस पर एक डिटेल्ड वीडियो आज शाम 8 बजे लाकर दूंगा। पूरी डिटेल से आप लोगों को बताऊंगा कि क्या होने वाला है, कब आपका एग्जाम हो सकता है। फिलहाल मेरे दिमाग से एक बात यही आ रही है कि आगामी जो बोला जा रहा है ना कि जून तो लगभग खत्म होने की कगार पे, जुलाई अगस्त में ये एग्जाम हो जाएगा शायद, लगता नहीं है। अगर कंपनी का चयन इन्हें दोबारा से करना पड़ा तो एग्जाम अभी 1 से 2 महीने और पीछे जा सकता है, 1 से 2 महीने और पीछे जा सकता है। सबसे बड़ी चीज है सरकार और भर्ती बोर्ड इस प्रक्रिया को पूरी तरीके से अंजाम देना ही नहीं चाहते, वरना जब ये ढूंढा गया था, इन्हें आज पता चला है कि ये कंपनी ब्लैक लिस्टेड है। ये पहले से भी, फरवरी का महीना कौन सा था, दूसरा, आज छठा महीना चल रहा, 4 महीने हो गया आज तक इनको यही पता नहीं चल पाया कि कंपनी ब्लैक लिस्टेड है या फिर ट्रांसपोर्ट से पेपर लीक हुआ है। अगर जांच करते तो सारी चीजें मिलती। अब पता है बच्चे एग्जाम के लिए जोर लगा रहे हैं, तो कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दो, इन्हें 4-6 महीने और फिर भटका दो। तो मतलब ये है कि बेगौरी वाली बात है ना, बेगौरी वाली बात है। ध्यान से सुनो, सिपाही भर्ती परीक्षा कराने वाली कंपनी एज यू टेस्ट हुई ब्लैक लिस्ट। आगे सुनो, एसटीएफ को मिले कंपनी की लाकरवाही मतलब लापरवाही के पुख्ता प्रमाण, नहीं पेश हो रहा कंपनी का निदेशक। पेपर लीक में ट्रांसपोर्ट कंपनी की भूमिका नहीं। आगे सुनिए, अहमदाबाद में टीसीआई एक्सप्रेस ट्रांसपोर्ट कंपनी के वेयरहाउस से सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। ट्रांसपोर्ट कंपनी के कर्मचारियों की मिलीभगत से वेयरहाउस में सेंध लगाई गई थी। पेपर लीक का बॉक्स खोलने के लिए बिहार से डॉक्टर सुंभन मंडल को 2 बार बुलाया गया था। हालांकि एसटीएफ को ट्रांसपोर्ट कंपनी के पेपर लीक संलिप्तता के प्रमाण नहीं मिले। जांच में सामने आया कि पेपर लीक की सुरक्षा का जिम्मा एजुटेस्ट कंपनी को ही संभालना था, जिसमें वह नाकाम रही। तो ये सिक्योरिटी का काम इसका था, एजुटेस्ट का, और इसमें ये नाकाम रही थी। आगे, एसटीएफ 4 नोटिस भेज चुकी है, बयान नहीं दर्ज कराने पर कसेगा कानूनी शिकंजा। अगर ये 4 नोटिस के बाद में है ना बयान दर्ज नहीं कराएंगे तो इन्हीं पर शिकंजा आने वाला है। और ध्यान से सुनिए हुआ क्या है, पूरा डिटेल सुनिए। सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड एवं पदोन्नति बोर्ड ने परीक्षा कराने वाली अहमदाबाद की कंपनी एजू टेस्ट को ब्लैकलिस्ट कर दिया। बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया और इसकी पुष्टि की है कि अब एजू टेस्ट को प्रदेश की किसी भी विभाग में भर्ती परीक्षा कराने का काम नहीं मिलेगा, साथ ही उसके खिलाफ कानूनी शिकंजा भी कसने की तैयारी है। गौरतलब है कि एजू टेस्ट कंपनी के संचालक विनीत आर्या को एसटीएफ 4 बार नोटिस देकर बयान दर्ज कराने को तलब कर चुकी है, लेकिन वह पेश नहीं हो रहा। एसटीएफ के अधिकारियों के मुताबिक सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद से
वह अमेरिका चला गया था, इसके बाद लौटा नहीं है। सूत्रों की माने तो यदि संचालक ने लखनऊ स्थित एसटीएफ मुख्यालय आकर बयान दर्ज नहीं कराया तो उस पर कानूनी शिकंजा कसा जाएगा। दरअसल एसटीएफ को सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के मामले में कंपनी की लापरवाही के पुख्ता प्रमाण मिले। इसी आधार पर बीते 4 महीने से विनीत आर्या से पूछताछ है ना चल रही है और उसे बुलाया जा रहा है, लेकिन वो आ नहीं रहा मतलब पूछताछ के लिए। वहीं पेपर लीक कराने में अहम भूमिका निभाने वाले प्रयागराज निवासी राजीव नयन मिश्रा के बयान के आधार पर एसटीएफ ने मास्टरमाइंड सुभाष प्रकाश की तलाश भी तेज शुरू कर दी है। अधिकारियों के मुताबिक सुभाष प्रकाश, राजीव नयन, रवि अत्री आदि का संगठित गिरोह है जो प्रतियोगी परीक्षाओं का पेपर लीक कराते हैं। तो भैया ये कंपनी ब्लैकलिस्ट होगी, अब कंपनी कोई और आएगी, किसी और कंपनी का चयन होगा, टेंडर प्रक्रिया निकलेगी, या शायद हो सकता है इतने टाइम में इन्होंने कंपनी का चयन कर भी लिया हो लेकिन एसटीएफ ने अब इसे ब्लैकलिस्ट किया है, तो अब इन्हें दोबारा से कंपनी का चयन करना पड़ेगा। कौन कंपनी आएगी? पहली बात तो उत्तर प्रदेश के एग्जाम को कराने के लिए कोई कंपनी इंटरेस्टेड ही नहीं होती, और कोई होती भी है तो ये बड़ी लिप्ति सामने आ जाती है। तो सामने आपके प्रत्यक्ष रूप में आपने देख लिया क्या पूरा मसला है, तो अब आपका जो एग्जाम है शायद 1 से 2 महीने और लेट होगा, ये पक्का है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक भी ये एग्जाम जा सकता है, पूरी पूरी संभावना है। और एक डिटेल वीडियो शाम 8 बजे ला कर दूंगा। फिलहाल आपके लिए यही अपडेट है। जय हिंद, वंदे मातरम।